क्या आप ऐसे रिलीजन को जानते हैं जिसमें डेड बॉडीज को ना ही जलाया जाता है और ना ही दफनाया जाता है? जी हाँ, एक ऐसा रिलीजन जहाँ पर डेड बॉडी को एक टावर के ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसी डेड बॉडी को क्रो, ईगल और वल्चर जैसे बर्ड डिकम्पोज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं ज़ोरोअस्ट्रिनिज्म की। ज़ोरोअस्ट्रिनिज्म को दुनिया का पहला इकोलॉजिकल रिलीजन माना गया है। ज़ोरोएस्ट्रिनिज्म, जिसे माज़्दा यासना के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया के सबसे पुराने लगातार प्रैक्टिस किए जाने वाले मोनोथियस्टिक रिलीजन्स में से एक है। इस रिलीजन को प्रॉफिट ज़ोरोअस्ट्र के द्वारा एंशिएंट पर्शिया यानी आज के मॉडर्न ईरान में एस्टेब्लिश किया गया, और एंशिएंट पर्शिया में ज़ोरोअस्ट्र की टीचिंग बहुत पॉपुलर हुई, जिसके चलते ज़ोरोअस्ट्रिनिज्म 600 BC से 650 AD के बीच ईरान का ऑफिशियल स्टेट रिलीजन रहा। 2012 में फेजना जनरल में पब्लिश हुई स्टडी के अकॉर्डिंग ज़ोरोएस्ट्रियंस की 2012 में ग्लोबल पॉपुलेशन 1,12,000 से 1,22,000 के बीच रही होगी। रिलीजियस बिलीफ। ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म की हिस्ट्री को समझने के लिए हमारा इसके बेसिक रिलीजियस बिलीफ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्टली, ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म की रिलीजियस बिलीफ हम उनकी रिलीजियस बुक अवेस्ता को पढ़कर समझ सकते हैं। अवेस्ता में हमें ज़ोरोअस्ट्र की मेन टीचिंग्स मिलती हैं। सेकेंडली, ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म के हिसाब से दुनिया को बनाने वाला सिर्फ एक ही सुप्रीम बींग है, और वो है अहूरा माज़्दा, जो कि एक इकलौते भगवान है। थर्डली, ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में लगातार गुड और इविल के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इस यूनिवर्स की हर एक चीज इस कन्फ्लिक्ट का पार्ट है, जिसमें इंसान भी शामिल है। और इंसान अपने अच्छे डीड्स, अच्छे वर्ड्स और दूसरों के लिए अच्छे थॉट्स की हेल्प से इस ईविल को हरा सकता है। फोर्थली, अहूरा माज़्दा सुप्रीम गॉड है, और उसके बिल्कुल अपोजिट अंगरा मैन्यू एक डिस्ट्रक्टिव स्पिरिट है। अहूरा माज़्दा ने ये यूनिवर्स क्रिएट किया, और अंगरा मैन्यू इसके सभी सिन और माइजरी का कारण है। फिफ्थली, अहूरा माज़्दा ने यूनिवर्स को बनाते टाइम सात अमेशा स्पैंतास या फिर बाउंटियस इमोर्टल्स जिसे कहते हैं, वो भी बनाए, जो कि अहूरा माज़्दा के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म के कुछ यूनिक फीचर्स जैसे कि वन गॉड का कंसेप्ट यानी मोनोथीज्म, गुड और ईविल का कंसेप्ट, जजमेंट डे का कंसेप्ट, हेवन और हेल के कंसेप्ट ने जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जैसे रिलीजन्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है। हिस्ट्री। ट्रेडिशनली ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म का ओरिजिन 6 सेंचुरी BC माना जाता है, मगर मॉडर्न हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म के हिस्टोरिकल ओरिजिन की डेट 10 सेंचुरी BC सजेस्ट करते हैं। ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म का पहला हिस्टोरिकल रेफरेंस हमें हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई बुक द हिस्ट्रीज में मिलता है। 6 सेंचुरी BC में ईरान बेस्ड एकेमेनिड एम्पायर को एस्टेब्लिश किया गया, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता था। एकेमेनिड एम्पायर में ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म को स्टेट रिलीजन का स्टेटस दे दिया गया, जिसके बाद इसकी बहुत तेजी से ग्रोथ हुई। मगर 330 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एकेमेनिड एम्पायर को बैटल ऑफ पर्शियन गेट्स में हराकर उसे डिसॉल्व कर दिया, और अलेक्जेंडर की ग्रीक आर्मीज ने ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म की सारी सेक्रेट टेक्स्ट और रॉयल लाइब्रेरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। ग्रीक्स के द्वारा करे गए पर्सिक्यूशन के बाद भी ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म को ईरान, मॉडर्न टर्की, मिसोपोटेमिया और कॉकेसस में प्रैक्टिस किया जाता रहा। ग्रीक्स के बाद आने वाले पार्थियन एम्पायर में भी ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म को फ्रीली प्रैक्टिस किया जाता रहा। ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म की गोल्डन एज ईरान में ससानिद एम्पायर के पीरियड को माना जाता है। ससानिद्स ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म के बहुत बड़े पैटर्न थे, और उन्होंने इसे बहुत प्रमोट किया। ससानिद पीरियड में ही ज़ोरोअस्ट्रियंस की सबसे इंपॉर्टेंट बुक अवेस्ता को कंप्लीट करा गया। 7th सेंचुरी की शुरुआत में अरेबिया से इस्लाम एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीजियस और पॉलिटिकल फोर्स की तरह उठा, और राशिदुन खलीफ्स की लीडरशिप में उन्होंने 633 से 651 के बीच ससानिद एम्पायर को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जो कि ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म की डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण बना। रीजंस फॉर ज़ोरोअस्ट्रियंस माइग्रेशन टू इंडिया। जनरली पारसी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ज़ोरोअस्ट्रियंस का ईरान से इंडिया माइग्रेट करने का मेन रीजन उमायद और अब्बासिद खलीफत द्वारा उनका रिलीजियस पर्सिक्यूशन बताया जाता रहा है। मगर रिसेंट ईयर्स में मॉडर्न हिस्टोरियंस ने इस ट्रेडिशनल क्लेम को क्वेश्चन किया है।
क्योंकि ससानिद पीरियड के टाइम से ही ज़ोरोएस्ट्रियन कम्युनिटी इंडिया में रह रही थी। स्कॉलर आंद्रे विंग के हिसाब से एविडेंस यह सजेस्ट करते हैं कि ज़ोरोएस्ट्रियन इमिग्रेंट्स इंडिया में मर्चेंट्स के रूप में आए। आंद्रे विंग का यह भी कहना है कि अरेबियन सी में मुस्लिम ट्रेडर्स के साथ कॉम्पिटिशन के चलते ज़ोरोएस्ट्रियंस इंडिया में इमिग्रेट हुए। इंडिया में सबसे पहला ज़ोरोएस्ट्रियन सेटलमेंट गुजरात में लोकेटेड टाउन संजान को बताया जाता है। एक्सपर्ट स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ज़ोरोएस्ट्रियन पहली बार संजान 785 और 936 AD के बीच में आए। माइग्रेट हुई ज़ोरोएस्ट्रियन कम्युनिटी को वक्त के साथ इंडिया में पारसीज के नाम से जाना जाने लगा। एट प्रेजेंट इंडिया में दो टाइप की ज़ोरोएस्ट्रियन कम्युनिटी रहती हैं, पारसीज और ईरानीज। किस्सा ए संजान जो 1599 में लिखी गई थी और ज़रतुश्तियन ए हिंदुस्तान इंडिया में ज़ोरोएस्ट्रियन कम्युनिटी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बुक्स मानी जाती हैं। रोल ऑफ पारसी कम्युनिटी इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इंडिया में माइग्रेट हुए पारसीज यहाँ के लोगों के साथ काफी घुल मिल गए। अब ये उनका भी देश बन गया था। यहाँ तक कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में भी इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। दादा भाई नारोजी पारसी थे, एसएच झाबवाला, जिन्हें मेरठ कंस्पिरेसी के लिए जेल तक जाना पड़ा, वो भी पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। भिकाजी कामा ने पहली बार यूरोप में भारत का झंडा फहराया और सर नारोजी शकलत वाला ऐसे पहले इंडियन थे जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट किया गया था। आज भी इंडिया की डेवलपमेंट में पारसी कम्युनिटी काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रही है। आप में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा एक पारसी थे। हाल ही में उन्हें लास्ट 100 ईयर्स के बिगेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट का टाइटल भी दिया गया है। टाटा ग्रुप की ही तरह गोदरेज ग्रुप के फाउंडर भी एक पारसी ही हैं। इस कम्युनिटी ने इंडिया को डॉक्टर होमी जे भाभा जैसे महान साइंटिस्ट भी दिए हैं, जिन्होंने इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनाया है। साथ ही इस कम्युनिटी ने रोहिंतन मिस्त्री जैसे ग्रेट नॉवलिस्ट और बचेकर कारिया जैसे जर्नलिस्ट भी इंडिया को दिए हैं। आज देश के कई टॉप लॉयर्स भी पारसी हैं, जिनमें नानी ए पालकीवाला, सोली सोराब जी और FS नरीमन जैसे कई लॉयर्स के नाम शामिल हैं। पारसी कम्युनिटी इंडिया की एक वेल एडुकेटेड और पीसफुल कम्युनिटी है। एक माइनॉरिटी ग्रुप होते हुए भी ये इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करने वाली हमारे देश में ये कम्युनिटी अपने डाइवर्स कलर ऐड करती है, जो कि देश को और भी खूबसूरत बनाता है। हे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। इफ इट वॉज हेल्पफुल टू यू देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर रिव्यूज इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अमेजिंग लीगल अपडेट्स। This is the Wisdom Maniac. We will catch you in the next video. Till then, bye-bye.